विपिन, आज हम बेसिकली यहाँ मिल रहे हैं समझने के लिए कि पिक माई वर्क के साथ तुम्हारी जर्नी कैसी रही है और कितना तुमने आज तक अर्निंग की है, कैसे अपनी टीम डेवलप की है, कितने लड़कों को ऐड किया है तुमने आज तक। जी सर, मेरा नाम विपिन है और मैंने पिक माई वर्क में काम स्टार्ट किया था आज से एक साल पहले। मार्केट में घूम रहा था तो एक मिले थे पर्सन, तो उनके मोबाइल में मैंने देखा तो उन्होंने कुछ बातें करी उसके बारे में, तो मैंने उसको डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया। करने के बाद कुछ दिन तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर मैंने उसके बारे यूट्यूब पर भी सर्च किया थोड़ा सा कैसा है, तो मुझे अच्छा फीडबैक मिला। फिर मैंने काम स्टार्ट किया तो पैसा उसका वीकली आता है टाइम से, तो मुझे भी अच्छा लगा। फिर मैंने लड़कों को रेफ़र किया तो रेफ़र से 10% का उसमें मार्जिन था, तो मुझे और एक्साइटेड हुआ उसके लिए। धीरे धीरे मैंने एक को किया, दो को किया, 10-20-50 मतलब काफ़ी लोगों को रेफ़र करने के बाद में उन लोगों में काफ़ी लोगों को रेफ़र किया, ऐसे करके टीम खड़ी हो गई। अच्छा। और फिर रिसेंटली कुछ ही टाइम बाद कोटक महिंद्रा का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसमें तो उसमें काफ़ी लोगों ने अच्छा काम करके दिखाया, लोगों ने पैसा कमाया, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। पैसा भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, और एक फ्रीलांसर ना किसी के दाम में, ना किसी का टाइम का आना जाने का सिस्टम, जब मन किया तब अपना काम स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। पैसा टाइम से आ रहा है ना, मैंने किसी को कॉल किया मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पैसा टाइम से मुझे मिलता रहा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ तुमने बताई थी मेरे को विपिन, कि एक हलवाई को भी तुमने कन्वर्ट कर लिया था पिक माई वर्क। हाँ सर, सर। क्या थी वो स्टोरी? एक लड़का था धर्मेंद्र नाम से, तो मैं मार्केट काम करता था, तो वो भी पूछता था क्या करते हो, तो मतलब हमारा कोई ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे जा रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, गाड़ी से निकल रहे हैं, तो वो कहता था भाई आप क्या करते हैं, मैंने ये कहा मेरा, तो बोला मुझे भी लगा लो। तो हलवाई की दुकान पर था वो बंदा, उसकी खुद की दुकान थी, मैंने उसको ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद में कुछ दिन काम किया, कुछ ही टाइम बाद उसने अपनी दुकान को क्लोज करके परमानेंटली इसी काम में आज भी वो काम कर रहा है। अच्छी चीज़ मेरे को और बताओ यार, आज जो आने का मेन पर्पस भी ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि और लड़कों को कैसे ऐड किया जाए, प्लस तुमने अभी तक जितने लड़के ऐड किए हैं, ठीक है, क्या चैलेंजेस फेस किए? सर, मैं लड़कों से कॉलिंग वगैरह मिलना जुलना रहता है हमारा, बिल्कुल बातचीत करते हैं, गूगल मेल पे मीटिंग भी ले लेते हैं, बाकी हम परिवार के रहने वाले हैं तो वहाँ के लोग हमारे ज़्यादातर हमारे रेफर से थे तो वो जानते हैं, कॉल लगा दिया, डैशबोर्ड से भी कॉल कर रहे हैं तो नाम बताया तो वो समझ गए। इन चीज़ों से क्या है कि लोकल का बंदा होता है और लोकल की ही टीम काम करती है तो वहाँ पे लोग जुड़ रहते हैं। ठीक है। अब मैं होता बिहार का तो वो लोग नहीं इतना मेरे सुनते। समझ गए, समझ गए। तो तुमने बेसिकली, तुम्हारा ये मंत्र है कि जिस शहर में थे वहीं के तुमने लड़के पकड़े, वहीं के लड़के पकड़े, उन्हीं लोगों से, उन लोगों से डेली बात की है ताकि वो जुड़े रहे, उनको पैसा कमा के दिया है। आना पड़ता है, कोई मान लो दिक्कत होगी, लड़के बुलाना चाहे हम जाते भी हैं उनसे मिलते फिजिकल, भाई उसने बोला फलानी मार्केट में, हम जाके उसे मिल भी लेते हैं, अगर लोकल में तो, अगर हम बाहर से होते नहीं मिल पाते उनसे। ठीक है, ठीक है। तो अभी आगे का क्या फ्यूचर प्लान है पिक माई वर्क के साथ, क्या सोच रहे हो, किस तरीके की जर्नी आगे लेके जाना चाहते हो? मैं तो सर सोच रहा हूँ पिक माई वर्क में अच्छा काम करें, इससे कंपनी के बारे में बाद में पहले अपने बारे सोचेंगे, जब हम ना अच्छा करेंगे तो कंपनी अपना आप अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। बाकी कर्म करेंगे फल तो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, हम भी उसी में बिलीव करते हैं।